सत श्री अकाल तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं आ जज सिंह चाहल खड़े हाँ जी पंजाब अते हरियाणा दे शंभू बॉर्डर ते जिथे दीप सिद्धू दी कॉल ते एक शंभू मोर्चा पक्के तौर ते अणमिथे समय लई लग गया है पर इत्थे खासियत अज दे दिन दी इह रही है पहला दिन है हरियाणा किसान मंच दे वल्लों भी कुछ नुमाइंदे प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जी इत्थे आए ने उन्हां कोल जांदे आ सब तों पहलां तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो किसानों की आवाज अपने चैनल के माध्यम से उठा रहे हो किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी पहला सवाल मैं ही चाहांगा कि पंजाब वालों मोर्चा कॉल किया गया है शंभू मोर्चा नाम ही दिता गया है हरियाणा के किसान मंच के वालों तुम इतने हाजरी किमें भरी है ये जो यहाँ मोर्चा लगा है और इस जैसे हमें पता चला कि शंभू बॉर्डर के ऊपर पंजाब का किसान इकट्ठा हो रहा है और अनिश्चितकालीन मोर्चा लगा रहे हैं तो हम 6 तारीख को सिरसा में कर रहे हैं उसका निमंत्रण देने आए और इस मोर्चे से पंजाब के जो किसान लड़ाई लड़ रहे हैं हम यहाँ से कुछ सीखने के लिए भी आए हैं कि पंजाब के किसान किस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ते हैं क्योंकि पंजाब अपने आप के अंदर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बड़ी बड़ी क्रांति हुई है आज़ादी के टाइम भी यहाँ पर क्रांति हुई थी और जब भी देश के अंदर कोई बात आती है तो पंजाब से सबसे पहले लहर उठती है और ये जो लहर इन काले कानूनों के खिलाफ जो देश के अंदर अभी क्रांति आई है किसानों के अंदर इतनी जागृति आई है वो पंजाब की वजह से आई है और पंजाब ने आज पूरे देश को जो है वो जगाने का काम किया है इसलिए हम यहाँ बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए आए थे जिहड़ा इस वेले पंजाब दे विच किसान अंदोलन चल रहा है उस नूं किवें देखदे हो तुहानूं लगता है कि किसे तण पत्तल लगेगा हरियाणा की सोचदा है इस बारे हरियाणा दे किसान की सोचदे हरियाणा ही नहीं पूरा देश आज पंजाब की तरफ देख रहा है क्योंकि पहल पंजाब ने की है और पंजाब के इस आंदोलन को पूरे देश के ऊपर भरोसा है कि पंजाब ने जो पहल की है इसके साथ देश के सभी राज्य लगकर दिल्ली का घेराव करके इस मोर्चे को फतेह करेंगे इस लड़ाई को जीतने का देश का किसान करेगा पंजाब इसकी अगुवाणी कर रहा है पंजाब का धन्यवाद भी करते हैं पंजाब के किसानों को सलाम भी करते हैं जो इस तरीके का इन्होंने आंदोलन चलाया है और पूरे देश को जगाने का काम किया है इसके लिए पंजाब के लोग जो है वो बधाई के पात्र हैं इसलिए हरियाणा से ये इल्जाम लग रहा है कि पंजाब के किसान इतना बड़ा आंदोलन करी जाते हैं पर हरियाणा के किसान क्यों चुप बैठे हैं हरियाणा के अंदर 6 तारीख को है और आप 6 तारीख को वहाँ पे आके देखना 6 तारीख को वहाँ पे इतनी बड़ी संख्या के अंदर हरियाणा के कोने कोने से लोग यहाँ पे आएंगे और पंजाब के साथियों से भी हम कहना चाहते हैं कि आप 6 तारीख को उस हरियाणा के अंदर जो आंदोलन हो रहा है डिप्टी सीएम का वहाँ पे घेराव होगा जिस तरीके से यहाँ प्रकाश सिंह बादल जो 22 सालों से बीजेपी का जो इनका नाता था पंजाब के किसानों ने डंडे के जोर पे इनको छुड़ाने का काम किया है हरियाणा का किसान भी जेजेपी का जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला जो चौधरी देवीलाल के बेटे और पोते हैं उनको भी डंडे के जोर पे पंजाब की तरज के ऊपर भी वहाँ बीजेपी से नाता तोड़वाने का काम करेगा 6 तारीख को देख लेंगे पंजाब से बराबर हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे 6 तारीख को जे चौटालिया की गल हुई है तो सवाल मैं उन्होंने बारे पूछ लेना जिम्मे बादलों का जिक्र किया उन्होंने तो अपना गठजोड़ भी तोड़ दिता अपना जो केंद्रीय मंत्री वह भी वापस मंगा लिया दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री की कुर्सी नाल चिंबड़े क्यों बैठे थे पंजाब के अंदर प्रकाश सिंह बादल ने जो नाता तोड़ा है वो पंजाब के किसानों के दबाव के चलते तोड़ा है कोई उन्होंने शौक से नहीं तोड़ा है वो तो पहले कानूनों का पक्ष भी ले रहे थे लेकिन पंजाब के किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन यहाँ खड़ा कर दिया और उनको मजबूर कर दिया आज जो डिप्टी सीएम वहाँ पे चौधरी देवीलाल के पोते हैं हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर आज चौधरी देवीलाल होते तो बड़े से बड़े पद को ठुकराकर किसानों के साथ खड़े होते आप इस कुर्सी के साथ क्यों चिपके हो इस कुर्सी को छोड़ो और किसानों के साथ आओ अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी कहीं किसानों के प्रति हमदर्दी है कहीं भी आपके कोई थोड़ी सी नैतिकता बची है तो 6 तारीख से पहले ही इस्तीफा देके इनको किसानों के साथ आ जाना चाहिए वरना 6 तारीख को किसान आके उनसे इस्तीफा ले लेगा और उनको मजबूर कर देगा इस पार्टी से नाता तोड़ना जे भाषा की गल करिए जिहड़ी भाषा पहला पंजाब दे विच बादलां दी सी वो भी कहिंदे सन कि खेती कानून किसानां दे पक्ष विच उही भाषा हुण दुष्यंत चौटाला भी बोलदे दिखाई दिंदे आ वो कहिंदे कि किसानां दा फायदा ही बड़ा तुहानूं लगदा है कि सेम भाषा कीती जा रही है बिल्कुल इनका सबका था ये साजिश थी और साजिश के अंदर ये शामिल थे यहाँ के अकाली दल भी शामिल थे वो जेजेपी शामिल है लेकिन पंजाब के किसानों ने इनकी साजिशों को नकाब लगा दिया और इनको मजबूर कर दिया हरियाणा का किसान भी इनको मजबूर कर देगा और उनको भी कहना पड़ेगा कि ये कानून किसान विरोधी है इतना बड़ा आंदोलन 6 तारीख को वहाँ पे होगा और उनका घर का घेराव करके बैठेंगे तुम 6 तारीख के आंदोलन की गल कर रहे हो एक हरियाणा तो पहला भी तस्वीर आई सन वड्डा इकट्ठ करने की कोशिश की गई सी बहुत जबरदस्त लाठीचार्ज होया किसानों पर इस बार तुम लगता है कि सरकार भाजपा की है उत्थे
ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਜਾ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪੀਪਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਮਨੇ ਰੈਲੀ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਥਾ 17 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਔਰ ਜੋ 6 ਤਾਰੀਖ ਕਾ ਵਹੀ 17 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨੋਂ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਮ ਘੇਰਾਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਪੀਪਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਬ ਹਮ ਜਾਣੇ ਲਗੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਰੋਕ ਲਿਆ ਪੀਪਲੀ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਆ ਉਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਮੇਂ ਆਜ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪਤਾ ਵੀ ਚਲ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਆਜ ਉਨਕੇ ਪੀਪਲੀ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਉਨਕੇ ਪਕਸ ਮੇਂ ਆ ਕੇ ਇਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਸੜਕੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ 25 ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕੀਆ ਥਾ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਖੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸੜਕੋਂ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਅਬ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਸਭ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੋ ਹਮ ਇਨਕੀ ਲਾਠੀਓਂ ਸੇ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕੀ ਗੋਲੀਓਂ ਸੇ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਇਹ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਮੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਸੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂਓਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਹਮੇ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਵੋ ਹਮਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਲੱਖੋਂ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਸਾਧਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਹਮਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ ਹੈ ਤਬ ਜਾ ਕੇ ਹਮੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਮ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਸੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇਂਗੇ ਜੋ ਇਨ ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕੇ ਮਾਧਿਅਮ ਸੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਜਨਤਾ ਕੋ ਕਿਸੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕੇ ਲੀਏ ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਠੀਆਂ ਚਲਾ ਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਲੇ ਜੇਲੇ ਭਰ ਲੇ ਹਮ ਸਭ ਕਰਨੇ ਕੋ ਤਿਆਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋ हम किसान हैं किसानों के घर में जन्म लिया है मेरे पापा वो खेती करते थे हम खेती करते हैं और यहाँ जितने लोग आए हैं वो सारे खेती करते हैं हिंदुस्तान के अंदर 70% आबादी जो वो खेती के ऊपर निर्भर है आज जो सत्ता के अंदर लोग बैठे हैं ये भी खेती करने वाले लोगों का वोट देने के बाद वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ जाने के बाद अगर ये खेती करने वाले किसान को किसान नहीं मानते हैं तो इस देश का किसान इनको दिखा देगा और इनको इस देश से भी निकालने का काम कर देगा ये लोग जो है झूठा राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर प्रेपकंडा करके बड़े जो मीडिया चैनल हैं उनको एक मैनिपुलेट करके और जिस तरीके से इन्होंने देश के अंदर बाकी सारी चीजों को किसानों को मुद्दों को दबाकर अपनी एक अलग तरीके की झूठे राष्ट्रवाद की जो घोषणा करके एक जो चलाया गया पूरे देश के अंदर उस लोगों ने सोचा कि ये राष्ट्रवाद वजह से मोदी के नाम पे वोट दे दिया आज आप देख रहे हो किस तरीके से मोदी के खिलाफ लोग सड़कों पे आ रहे हैं जो थोड़े दिन पहले यहाँ हालात देश के अंदर ये थे कि मोदी के खिलाफ एक भी आदमी तो उसको चुप करा दिया जाता हिम्मत नहीं होती आज उल्टा हो गया है आज मोदी के जो अंधभक्त है उनकी हिम्मत नहीं होती है मोदी की तारीफ करने के लिए उसके पक्ष में शब्द बोलने के लिए क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज इनके खिलाफ खड़ा हो गया है और अब इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेगा और इन काले कानूनों को वापस करने का काम किस देश का किसान करेगा। आखिरी सवाल है मेरा, पंजाब ने बहुत जल्दी आंदोलन शुरू कर दिया था, हरियाणा पीछे क्यों रह गया? इस करके कि पंजाब दे विच जिहड़ी विरोधी धिर दी सरकार है कांग्रेस पार्टी दी, हरियाणा दे विच भाजपा दी सरकार है, इस करके? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कहा कि पंजाब का जो किसान है वो हर चीज में पहल करता है। जितनी भी देश के अंदर क्रांतियां हुई है वो पंजाब से उठी है। जब देश गुलाम था तब भी पंजाब और बंगाल से क्रांति उठी, उसके बाद पूरे शहर पे चली। आज भी जो हिंदुस्तान के अंदर क्रांति उठी है वो पंजाब से उठी है और पूरा देश पंजाब की तरफ देख रहा है। तो हम ये नहीं कह रहे कि पीछे है, लेकिन पंजाब के किसानों ने दूसरे किसानों को जगाने का काम किया है कि किसी आदमी को पहले पता चल जाता है, किसी को बाद में पता चलता है। हमारे तक जो सूचनाएं हैं वो किसी को पहले मिलती है, किसी को बाद में मिलती है। तो पंजाब का किसान जो है वो अग्रणी है, उसका जो वैचारिक स्तर है वो बहुत ज्यादा मजबूत है, वो बौद्धिक स्तर के ऊपर भी जो है ज्ञान ज्यादा रखता है, इसलिए पंजाब के किसान ने हमें सबको जगाने का काम किया। गलबात करने लिए हरियाणा किसान मंच के प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा के नाल गलबात की है, जिहड़े कहिंदे ने कि असीं भी हरियाणा दे विच हुण एक वड्डा अंदोलन छेड़ांगे तां जो पंजाब तों सिख के जाके हरियाणा दे विच करनगे कि किवें अंदोलन छेड़े जांदे ने। मतलब है कि पंजाब तों बाद हुण हरियाणा दे विच जिहड़ी किसान अंदोलन एक बार फिर तों तेज होएगा। आ इस बात चुके जा रहे सन कि क्यों पंजाब अंदोलन कर रहे हैं, हरियाणा पिछे क्यों है, अते इन्हां दा कहना है कि हुण हरियाणा भी पिछे नहीं रहेगा अते लगातार अंदोलन इन्हां वल्लों भी कीता जाएगा। बने रहो द पंजाब टीवी दे नाल।